ज़हीर अब्बास जहाज में मौजूद है तो बराए मेहरबानी खड़े हो जाए अपनी सीट पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर हॉस्टल। तो आज मैं पहली दफ़ा बातिक एयरलाइन से सफ़र कर रहा हूँ और कुआलालंपुर से लाहौर पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो इस एयरलाइन के रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये अकेली एयरलाइन है जो कुआलालंपुर से ईद के दिनों में पाकिस्तान जा रही थी डायरेक्ट। तो मैं इतना लंबा सफ़र नहीं करना चाह रहा था, लास्ट टाइम जैसा मैंने श्रीलंका का सफ़र किया था, तो इसलिए मैंने ये वाली एयरलाइन चूज़ की। तो इस एयरलाइन का आप लोगों के साथ रिव्यू करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इस एयरलाइन में कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी बुरी बातें हैं। सो गाइस, बातिक एयरलाइन कौन सी है, इसकी टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव थी। कुआलालंपुर से लाहौर तक इसकी आने जाने की जो टिकट थी वो तकरीबन 3,100 रिंगट तक की हुई है, 3,100 रिंगट की। तो आप देख सकते हैं ये मेरे फ्रंट में सीट है, इसमें कोई मल्टी मीडिया वगैरह नहीं है, कोई LCD वगैरह नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं आप लोग इधर देख सकते। लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि टांगे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा इसकी लेग रूम है, आप अच्छी तरह अपना सामान भी रख सकते हैं। अगर आपने हैंड बैग वगैरह या लैपटॉप बैग वगैरह रखा हो, आप सही टांगे जो है अपनी सही श्रिंक कर सकते हैं। तो 6 घंटे आपके इधर सुकून से आप सो भी सकते हैं। जब भी आप बातिक एयर से फ्लाई करेंगे, आपको इकोनॉमी में सामान जो मिलेगा वो 20 किलो मिलेगा, जो कि बहुत थोड़ा है। और तकरीबन 12 घंटे डिपार्चर से पहले आप 250 रिंगट में 10 किलो उसमें एडिशन करवा सकते हैं। इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, तो मेरा सामान जो उनसा था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरा सामान 20 किलो की जगह 29 किलो हो गया था। तो मैंने इनसे सोचा अगर मेरी बिजनेस क्लास की टिकट होती तो मैं 30 किलो सामान लेके जा सकता था। तो मैंने इनसे पूछा कि इस जहाज़ में टिकट है बिजनेस क्लास की, तो वो कहते हैं नहीं जी, इस जहाज़ में बिजनेस क्लास है ही नहीं है। तो मैं जो है अपना सामान फिर मुझे एक्स्ट्रा करवाना पड़ा, और अगर मैं 12 घंटे पहले करवाता तो 250 रिंगट में सारा काम हो जाना था, लेकिन 12 घंटे पहले करवाता तो, लेकिन मैंने उसी वक्त करवाया तो उन्होंने मुझसे 522 रिंगट लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है 9 किलो सामान के। ये एयरलाइन बुक करने के बाद मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, और इस एयरलाइन के जो रिव्यूज़ थे बहुत गंदे थे, और मैं डर गया था कि मैं पाकिस्तान पहुँचूँगा कैसे। तो सर्विस जो है इनकी ठीक है, खाना शाना कुछ नहीं मिलता, पैसों का ख़रीदना पड़ता है, मल्टी मीडिया आप लोगों ने देख लिया वो भी नहीं है। तो उन्होंने पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए हैं लगेज के, तो ये अजीब सी हालत की हुई है, देखें और क्या बनता है। अभी एरोप्लेन का जो फ्लाई करने का टेक ऑफ करने का टाइम था वो तकरीबन 5:35 था, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, और ये अभी भी लोगों को ढूंढ रहे हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा परेशान है, एक ज़हीर अब्बासी नाम का बंदा है, उसको ढूंढ रहे हैं, पता नहीं उसने क्या किया है, तो वो बता भी नहीं रहा कि वो इधर है या नहीं। Your body pass, we check everyone's body pass, please. So, मेरा बोर्डिंग पास भी चेक हो गया दोबारा से। ज़हीर अब्बास जहाज में मौजूद है तो बराए मेहरबानी खड़े हो जाए अपनी सीट पर। ज़हीर अब्बास है जहाज में। अब एक अमीर हमजा मिला है हमें, दोस्तों हद हो गई है, इतने अनप्रोफेशनल लोग मैंने किसी भी एयरलाइन में नहीं देखे। मैंने लास्ट टाइम श्रीलंका एयरलाइन पे सफ़र किया था, मुझे लगा कि शायद बहुत थकी हुई एयरलाइन है, लेकिन उससे ज़्यादा गई गुजरी, और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना भी सफ़र किया उसमें सबसे ज़्यादा गई गुजरी ये बातिक एयरलाइन है। तो मेरी तो तौबा, मेरी रिटर्न टिकट है इसके साथ, मुझे तो आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा से कभी भी नहीं मैं करूँगा सफ़र इधर से। दोस्तों टॉयलेट भी आप देखें, टॉयलेट जो है वो सिर्फ नाम का टॉयलेट है, छोटा सा एक कैबिन है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ एयरलाइंस में, आप लोगों ने सीट देखी है, आइए या ना आइए आप लोग मुझे। तो गाइस यहाँ से आप सामान ढूंढना बड़ा मसला रह गया। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी इस एयरलाइन से सफ़र नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को ये एयरलाइन अच्छी लगी है तो आप सफ़र कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से सिर्फ ये एक ऐसी एयरलाइन है जो डेली आती है कुआलालंपुर से पाकिस्तान में, इसलिए लोगों के पास कोई और
ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोग ये चूज़ करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।